मंडी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले कृषि उपज मंडी में अधिकारी कर्मचारियों ने वेतन पेंशन की व्यवस्था के लिए दिए गए आश्वासन के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार को मंडी के अधिकारी कर्मचारियों ने एसडीएम प्रवीण फूल पगारे को ज्ञापन सौंप हड़ताल शुरू कर दी। ज्ञापन में बताया कि संयुक्त संघ मोर्चे ने 3 से 6 सितंबर तक किए आंदोलन के संबंध में मंत्री ने पदाधिकारियों की बैठक भी ली थी, जिसे मंडी बोर्ड के अमले को वेतन पेंशन की व्यवस्था सहित अन्य मांगों की सुनवाई करने के लिए आश्वासन दिया था। साथ ही 15 दिन में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई। आश्वासन के आधार पर संचालक मंडल की बैठक 10 सितंबर को रखी गई, जिसे मंडी बोर्ड को संचालनालय कृषि विपणन में मर्ज करने का प्रस्ताव रखा गया। बड़वां से संवाददाता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।